हेलो फ्रेंड्स, रचना बुटीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कॉलर नेक लेकर आए हैं और ये कॉलर नेक हमारा डिज़ाइन वाला है। तो कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है, अब हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं। गले की चौड़ाई हमने यहाँ पे 2.25 इंच ली है और 32 साइज में गले की चौड़ाई आप 2.25 इंच ही लेना। और इसके बाद अब हम गले की लेंथ ले रहे हैं। गले की लेंथ हमें 3 इंच लेनी है। 3 इंच पर लाइन ड्रॉ करके ऐसे बॉक्स बनाना है और इसके बाद 1/2 इंच पर हमें गले की गोलाई करनी है। ये हमारा फ्रंट गला है तो यहाँ हमने 1/2 इंच पर गले की गोलाई की है। इसके बाद अब हम इसमें एक डिज़ाइन बनाएंगे। हमें ऊपर से लेंथ रखनी है इसकी 7.5 इंच, तो यहाँ पे हमें 7.5 इंच पे मार्क करना है ऐसे। और ऊपर से हम यहाँ से 1 इंच की गैपिंग रखेंगे, जैसे कि ये जो 3 इंच पर हमने गला ड्रॉ किया है, पहले हम ऐसे आपको ये सर्कल ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, इस तरह से ऐसे हमें सर्कल ड्रॉ करना है और गैपिंग हम 1 इंच की रखेंगे। देख लीजिए, जो ये ऊपर का गला है इसमें हमने जो सर्कल में गैपिंग रखी है वो 1 इंच की रखी है, ऐसे हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है। और इसके बाद अब हमें कटिंग करनी है। पहले हम ऐसे ऊपर के गले को कट करेंगे और फिर हमें इस सर्कल को कट करना है। तो यहाँ पे हमने इस सर्कल को कट कर लिया है और इसको अभी हम कट नहीं करेंगे सेंटर से, जो हमने 1 इंच की गैपिंग रखी है ये हम बाद में कट करेंगे जब कॉलर लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हमने फ्रंट गले की कटिंग कर ली है, आप देख सकती हैं। और अब हमें बैक गला लेना है। अब हम बैक गले की आपको कटिंग करना बताएंगे। ये हमारा फ्रंट गला है। अब हमें बैक पीस लेना है और बैक पीस को हम फोल्ड करके रखेंगे। और यहाँ पे पहले हमें गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई तो हम 2.25 इंच ही रखेंगे, सेम रखनी है बैक और फ्रंट दोनों गले में। तो यहाँ पे हमने 2.25 इंच पर गले की चौड़ाई रखी है और सिर्फ हमें 1 इंच की गोलाई करनी है ऐसे। वन साइड की तरफ जो इसकी लेंथ है ये 1 इंच है, हमने गोलाई की है, वो हमने ये कटिंग कर ली है। तो इस तरह हमने गले की कटिंग की है। यदि आप 38 साइज की कुर्ती का आप गला बनाएं तो आप गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखें। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। सबसे पहले हमने एक पीस लिया है और इस पीस को हमें सीधा रखना है और फिर हम गले को हमें बैक साइड की तरफ से रखना है। और अब हमें ऐसे सर्कल में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले आप इसे पिनअप भी कर सकती हैं। तो यहाँ पहले हम सर्कल पर सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से आपको सर्कल में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और इसके बाद पहले हम इसे ऐसे सेंटर से कट करेंगे और फिर हम इसे फैब्रिक को कट करेंगे। जो हमने फैब्रिक ली थी गला बनाने के लिए, इसे सर्कल में हमें इसे कट करना है। यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है और इसके बाद अब हम इसमें छोटी छोटी कट लगाएंगे ताकि जब हम इसे बैक साइड की तरफ फोल्ड करें तो इसमें फिनिशिंग आए। तो इस पूरे सर्कल में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे, इस तरह आपको ये कट लगाने हैं। और कट लगाने के बाद अब हम कुर्ती को सीधी तरफ से रखेंगे और यहाँ पे हमें 1 इंच फैब्रिक रखनी है, जो हमने पीस लिया था गला बनाने के लिए। यहाँ पे हमें 1 इंच फैब्रिक रखनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है और अब हम इस फैब्रिक को बैक साइड की तरफ फोल्ड कर रहे हैं। इस तरह से हमें इसे बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है और सीधी तरफ से हमें इसमें सिलाई लगानी है। पहले ही आप इसे डबल फोल्ड भी कर सकती हैं या फिर आप ऐसे इसे सिंगल ही रखें और आप सिलाई लगा लें पहले। तो अब आप इसमें पूरे में ये सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और आप इसे बैक साइड की तरफ ऐसे फोल्ड करें और आप इसमें तुरपाई भी कर सकती हैं। बैक साइड की तरफ फोल्ड करके सुई धागे से आप इसमें तुरपाई भी कर सकती हैं। और इसके बाद
अब हम इसे सेंटर से कट करेंगे। जो ये दोनों गले में गैप है इसे हम सेंटर से कट करेंगे। अब तो यहाँ पे हमने गले को कट कर लिया है। अब इसके बाद इस पीस को हमें सीधा रखना है और बैक पीस को हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे। और सबसे पहले हम शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो हमने इसे सेंटर से कट किया है ऐसे आप फोल्ड करके सुई धागे से ये त्रप लें। यहाँ सिलाई भी लगा सकती हैं पर आप त्रप लें। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और इसमें गैप है थोड़ा सा। और अब हमें गले का मेजरमेंट लेना है क्योंकि हमें कॉलर कट करने हैं। तो यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से हमें पूरे गले का अब मेजरमेंट लेना है। देखिए गले की जो गोलाई है वो हमारी 15.5 इंच है, देख लीजिए आप। और अब हमें बुकरम लेनी है। बुकरम की जो ये चौड़ाई है गोलाई के अकॉर्डिंग रखेंगे। 15.5 इंच हमारा गला है और हम इसे 16 इंच ले रहे हैं। 1/2 इंच बुकरम हमने सिर्फ इसमें सिलाई के लिए ऐड की है। यहीं से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी बुकरम की चौड़ाई रहेगी फोल्ड करके 8 इंच है। और यहाँ पे हम बंद साइड की तरफ हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और खुली साइड की तरफ हम इसे ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है कॉलर बनाने का, कॉलर की कटिंग करने का। तो यहाँ पे हमने ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ की है। बंद साइड की तरफ 1/2 इंच पे हमने मार्क किया था और खुली साइड की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ की है। और 8 इंच बुकरम की चौड़ाई है और लेंथ हम रखेंगे 1.5 इंच के करीब। तो जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे हमें 1.5 इंच पर 1.5 इंच यहाँ पे हमें कॉलर की लेंथ लेनी है और मार्क करना है। इस तिरछी लाइन से ही हमें 1.5 इंच कॉलर की लेंथ लेनी है, इस तरह से और लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके बाद हम ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ी सी हमें गोलाई करनी है कॉलर की। और अब हम कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह हमने कॉलर की कटिंग कर ली है, देख लीजिए थोड़ी सी इसमें गोलाई आई है। और अब हमें फैब्रिक लेनी है। फैब्रिक को हम फोल्ड करके रखेंगे। जो ऊपर की साइड है ये बैक साइड है और ऐसे हमें बुकरम को रखना है। और 1/2 इंच फैब्रिक अधिक है नीचे की तरफ बुकरम से, देख लीजिए आप। इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे बुकरम की तरफ और सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमें इसमें सिलाई लगानी है। और हमने इसे फोल्ड करके ही रखा हुआ है। ऊपर की जो साइड है ये बैक साइड है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। और इसके बाद अब हम ये सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से हमें इसमें पूरे में सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने दोनों तरफ ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। और अब हम इसे सीधी तरफ से रखेंगे। और अब हमें गला लेना है, कुर्ती लेनी है हमें। और कुर्ती के गले को हम सीधी तरफ से रखेंगे यहाँ से। और जो फोल्ड साइड है गले कॉलर की वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और ऐसे हमें इसे रखना है और सिलाई लगानी है इस तरह से। आप ध्यान रखें ना तो आपको कॉलर को खींचना है ना ही गले को, अच्छे से रखते हुए आपको ये सिलाई लगानी है। इस तरह से आप पूरे गले में ये सिलाई लगा लें। और फिर ये जो हमने सिलाई लगाई है इस फैब्रिक को हम बुकरम की तरफ करेंगे। और ऊपर से हमें फुल साइड को इस तरह से रखना है। और अब हमें कॉलर के ऊपर सिलाई लगानी है। तो ऐसे आप
अब ऊपर की तरफ भी ये सिलाई लगा लें। ऐसे हमने ये सिलाई लगा ली और इसमें आप मोती से इसे डिज़ाइन कर सकती हैं। और वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।